गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम नरेंद्र, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आस्था इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, विद्युत सेवा आयोग उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड थर्ड का रिजल्ट आ चुका है। बहुत ही खुशखबरी की बात है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि जो एग्ज़ाम आपका 22/9 से 24/10 के मध्य जो हुआ, CVT कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम हुआ आपका, उसका रिजल्ट आ चुका है। और इसमें आपके लिए सबके लिए खुशखबरी यह है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका जो स्कोर है ये देखने को मिल रहा है। और जो देखिए, इसमें एक लाइन लिखी हुई है कि श्रेणीवार रिक्तियों के 3 गुना शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थियों के लिए सूची ये आपकी जारी कर दी गई है, जिसमें जो स्टूडेंट्स 3 गुने स्टूडेंट्स के हिसाब से स्टूडेंट्स को लिया जा रहा है। तो देखिए, अच्छी बात है। हालांकि ये बच्चे कम हैं कि जो लिए जा रहे हैं 3 गुना, ये हालांकि बढ़ेंगे ऐसा नहीं है, पर एक खुशखबरी है कि चलिए रिजल्ट आ चुका है। जैसा कि मैंने प्रिडिक्ट किया था कि 20 दिसंबर तक रिजल्ट आ जाएगा, और रिजल्ट आ चुका है। ये देख रहे हैं 3 गुना बच्चे पास हैं, और ये इस तरीके से आप लिस्ट देख पा रहे हैं। तो ये बहुत ही खुशखबरी की बात है कि अब ये रिजल्ट आ चुका है, और जल्दी ही इसकी, अब देखिए इसी रिजल्ट आने के बाद आपका प्रोसेस आगे क्या होगा कि अभी टाइपिंग के लिए बुलाएंगे। टाइपिंग के लिए आपको मिनिमम 20 डेज मिलेंगे, मिनिमम 20 और मैक्सिमम 30। तो कहने का मतलब है, आज है 22 दिसंबर, 22 दिसंबर से लेकर के मान के चलिए कि अगली ही 22 जनवरी तक आपको ये करने को टाइपिंग मिल जाएगी। कहने का मतलब है, जनवरी के आधे से आपको हो सकता है कि टाइपिंग शुरू हो जाए, और वो बुलाना शुरू कर दें कि इतने इतने बच्चों को बुलाया जाए और ये एडमिट कार्ड आपके जारी हो जाएं। तो मान के चलिए आपके पास ओनली 1 मंथ है प्रिपरेशन करने के लिए, अच्छे से लग जाइए। और जैसा कि मैंने ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपकी टाइपिंग कैसे करनी है उसके बारे में वीडियोज़ बना रखी हैं, आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पर आस्था इंस्टीट्यूट पर। तो उस प्रकार से आप आगे देख पाएंगे कि किस प्रकार करना है, कौन से सॉफ्टवेयर पे करना है, कौन सी हिंदी इंग्लिश में आपका क्या मोड रहेगा, कैसे रहेगा, ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी। मैंने बताया है टाइपिंग जो होगी आपकी ऑनलाइन होगी, ये भी मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन आपकी टाइपिंग होगी। और इसमें आप देख सकते हैं कि एक्यूरेसी आपके लिए बहुत ज़्यादा मेन रहेगी, क्योंकि इसमें बच्चे 3 गुना लिए गए हैं। तो 3 गुना, देखिए मुझे तो लगता नहीं कि 3 गुना जो बच्चे लिए गए हैं यहाँ पर ये सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आयोग की एक गलत चीज़ है। हालांकि देखा जाए तो कम से कम 7 गुना या 5 गुना बच्चों को लेना चाहिए था, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा को, क्योंकि जो हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग है वो इतनी इजी नहीं होती है करनी। तो देखिए कि हो सकता है ये अगली जो लिस्ट है वो 5 गुना के हिसाब से या 7 गुना के हिसाब से जारी करेंगे, तो उसके लिए परेशान ना हो। पर यह खुशखबरी है कि रिजल्ट आ चुका है, और जल्दी ही इसमें आप देखेंगे कि इसमें भी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होकर के आएगा, 5 गुना या 7 गुना के बच्चे बुलाए जाएंगे। तो बस वीडियो में इतनी ही, बस आपके लिए खुशखबरी थी, और जिन बच्चों का हुआ है उनके लिए बहुत ज़्यादा बधाइयाँ, अच्छे से तैयारी में लग जाएं। अगर कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तभी वो मुझे कमेंट कर सकते हैं। बस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।